प्राउड फील होता है कि भगवान ने हमें वुमन बनाया है, एक हाथ वाली नहीं हजार हाथ वाली। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू रिधि खोरावास व्लॉग। बहुत अच्छी मॉर्निंग के साथ आज के दिन की शुरुआत हो गई है और आज है संडे, यानी कि थोड़ा सा वो कहते हैं ना लेट वाला और लेजी वाला डे होता है, क्योंकि वीकेंड होता है ना तो ऐसा लगता है कि आराम करे और थोड़ा चिल करे, बट आजकल हेमल की सीजन है तो हेमल को तो नो वीकेंड। आज भी हेमल इवेंट पे जाने वाले है, कल भी इवेंट पे, आजकल हेमल इवेंट में बहुत ज्यादा बिजी है, सो उसका तो डेली रूटीन कुछ वीकेंड वीकेंड कुछ नहीं, और घर की सब जगहों पे सीटियां भी बजने लगी है, पता नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 11:30 ही बजे है, इतनी जल्दी कोई खाना बना रहा है। मैं भी अभी थोड़ी देर में जाऊंगी किचन में वीकेंड का स्पेशल लंच बनाने के लिए, बट खाना सिंपल ही बनेगा घर पे आज कुछ नहीं, क्योंकि आज मैं सोचती हूँ कि थोड़ा वो कहते हैं ना रेस्ट वाला दिन होता है, तो आज कुछ चटपटा अच्छा सा खाना नहीं बनाना चाहिए, आज आराम ही करना चाहिए। और दूसरी बात कि मेरी क्लीनिंग का काम सारा का सारा बाकी है, सो बेडरूम की क्लीनिंग करनी है, कपड़े भी इतने सारे हैं जो वॉश करने के लिए भेजने हैं, तो उसे सबको निकाल के रखा है, ये वॉशिंग में जाएंगे सारे के सारे, और काम करके फ्री होंगे उसके बाद लंच बनाएंगे गरम गरम सा, क्योंकि हेमल लंच करने के बाद इवेंट पे जाने वाले है, और हेमल इवेंट पे जाने वाले है, अब शाम को तो पता नहीं, संडे है बट कहीं पे जा नहीं पाएंगे, कुछ अभी तक पता नहीं है क्या आगे का प्लान होता है ना। सुबह सुबह बस डेली रूटीन एक ही होता है कि काम करना, फिर आगे पूरा दिन कहाँ पे कैसे क्या जाएगा ना वो कुछ आइडिया नहीं होगा। अगर मैं तो प्लान करूँ ना कि यहाँ पे मुझे जाना है, फिर भी मेरा तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए आजकल प्लान ही नहीं करती हूँ कि यहाँ जाना है वहां जाना है, कुछ नहीं बस। पता नहीं कैसे कैमरा सो गया है, सारा काम हो गया सिर्फ 10 मिनट में, पूरे बेडरूम की क्लीनिंग हो गई, कपड़े भी वॉश करने थे वो भिजवा दिए मतलब कि सब बांध के रखे हैं, अब सिर्फ भिजवाना ही बाकी है। अब किचन में जाऊंगी, पहले ही बताया कि संडे यानी कि थोड़ा सा लेजी डे होता है, सबको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है क्योंकि वीकेंड होता है, फिर कल से तो वही डेली रूटीन सबका, वैसे लेडीज का तो कुछ संडे नहीं होता, बच्चे घर पे रहते हैं ना तो ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, सो अभी मैं किचन में जाऊंगी खाना बनाऊंगी। और हाँ, ये बोल रही थी कि आज संडे है ना तो एक घंटा मैं लेट से जगी, क्योंकि डेली मैं 7:30-8 बजे जग जाती हूँ, कभी कभी तो 6 बजे जग जाती हूँ, बट आज मैं 9 बजे जगी, उसी में सारा काम लेट से हो गया है, अभी कुछ नहीं बस खाना बनाना ही है, और आज तो एक्स्ट्रा काम भी कुछ नहीं करना है, सो खाना बनाती हूँ किचन में जाके, वो भी इतना जल्दी क्योंकि हम अभी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। लंच बन के एकदम से रेडी, कब का हो गया है, और आज संडे है इसलिए मैं देख रही थी टीवी देख रही थी, और देखे 2:15 का टाइम हो गया है, खाना अभी तक नहीं खाया है क्योंकि हेमल नहीं आए हैं, वेट कर रही हूँ हेमल का, हेमल आते हैं सो लंच करने हम लोग बैठ जाएंगे। सिंपल ही वाला खाना बनाया है, सोयाबीन की सब्जी बनाई है, क्योंकि हेमल को पता नहीं सोयाबीन खाना था, मुझे नहीं पसंद इतनी ज्यादा सोयाबीन की सब्जी, बट संडे था तो मैंने दूसरा कुछ नहीं बनाया है, चलेगा आज मैं भी सोयाबीन खा लूंगी, साथ में वैसे दाल चावल रोटी सब कुछ बनाया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A few moments later. चलिए ना हेमल, कब से वेट कर रही थी, अब तो चलिए। ऐसे उल्टी में जाते हो तो चेयर है यहाँ पे तो गिर जाऊँ तो, इसलिए क्या है सब कुछ पथारा करके रखा है, क्योंकि ये खाना है हमें ही खाना। चलो, आपको? चलो, जल्दी मुझे भी जाना है वापस। Yes, आपको कभी भी ऐसा हो कि आराम हो, आपका वो क्या कहते हैं वो घोड़े पे सवार ही रहते हैं, अगर खाना भी ऐसे घोड़े टपक 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 ऐसे को खिला देना साइड में तो खा ले। कभी कभी तो
क्या खाना भी नहीं होता। हाँ, वो भी 3 दिन पहले ही उसका थोड़ा ज्ञान प्रवचन दिया था कि खाना पहले जरूरी है, इसलिए खा लेते हैं। भूल जाएंगे तो वापस से खाना भी भूल जाएंगे तो वापस से ज्ञान दूंगी। क्या करे, सीजन है, सीजन में ही क्या बोलता है उसे, संभालना चाहिए काम को। हमारी तो सीजन ही भगवान ने नहीं बनाई। हम तो डेली उठते हैं, घर का काम के साथ साथ भी व्लॉग भी करते हैं तो अच्छा लगता है। हमारा डेली 365 दिन, अगर एक दिन एक्स्ट्रा हो फिर भी हमें तो काम ही रहता है। सच्चा काम तो यही रहता है। यस, बट कोई बात नहीं, हमें प्राउड फील होता है कि भगवान ने हमें वुमन बनाया है, एक हाथ वाली नहीं, हजार हाथ वाली। घर का काम भी, किचन का काम भी, बाहर का काम भी, अभी तो और व्लॉग। जिनके बच्चे होते हैं उन्हें तो उसको भी संभालना पड़ता है, स्कूल ट्यूशन ये वो, कितना काम रहता है। बट अच्छा लगता है, सब भी भगवान ने हमें भेजा है तो काम करेंगे। अभी ये भेजा में भेजा को बंद कर दे, खाना खा लेते हैं। चलो, आपने बोला था वो सब्जी रेडी है, सोया ने बीन। यस, कैसे आपको इतना सोयाबीन पसंद है? इतने नहीं बट पसंद है, कभी कभी खा लेना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। आपको पता है सोयाबीन, मुझे मालूम, मैं तो शादी करके यहाँ पे आई ना, उसके बाद मैंने पहली बार सोयाबीन खाया। इसे तो मालूम भी नहीं था क्या, मुझे नहीं, कोमल भाभी को भी नहीं पता है, उसे भी यहाँ पे शादी करके आए ना उसके बाद पता चला। हम तीनों आपस में बात करती है, सोयाबीन पता नहीं कैसे आ गए। क्योंकि हम तीनों को नहीं, दीपिका भाभी को पसंद है, हम दोनों को नहीं पसंद है सोयाबीन, बट हेमल को पसंद है तो मैं बनाती हूँ और उसमें से आलू उसे वीण के खा लेती हूँ। आज भी वैसा ही करना, वैसा ही करूंगी, इसलिए तो अच्छा सा मैंने सलाद बनाया है अपने लिए। चलिए अभी खाना खाने हम लोग सीधा बैठ ही जाते हैं। मैं तो बैठ ही गई क्योंकि खाना यहाँ पे एकदम से रेडी ही है। गिलास का, गिलास यहाँ होगा, देखो वो ले लेने का, इसमें कोई नहीं, बाकी खाना यहीं पे है, अभी प्लेट रेडी कर देती हूँ, सो आप जल्दी जल्दी से खाना खा लेना। आप किसे लेट हो रहा है, मेरी वो क्या कहते हैं कमजोरिया नहीं क्या कहते, देखिए कोला आप बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर। चलिए आइए, तब तक प्लेट रेडी करती हूँ। लंच की प्लेट भी एकदम से रेडी कर ली है और हेमल भी बात करके आ गए हैं यहाँ पे कोल से। क्या कोल से? कोल पे प्लेट कुछ इस तरह से है, सोयाबीन की सब्जी, फुल्का रोटी और साथ में है दाल एंड चावल। सिंपल ही संडे वाला खाना, और ये मैंने मेरे लिए बनाया है खास, पता है आपको। नज़ारा कौन खाएगा, मैं खाऊंगी। देखिए ये बाउल भर के मैंने अपने लिए सलाद बनाया है, इसमें सारे के सारे वेजेस नहीं है। इतना बड़ा बाउल, हाँ ये बड़ा ही खाना चाहिए बाउल, क्योंकि इससे हेल्थ अच्छी रहती है। अभी अपने सोयाबीन का बोला ना, बट ये कच्चा खाना चाहिए। प्रवचन सब कुछ लो एक साथ। मुझे दिया तो मैं क्यों ना दूं, इससे भी ये फ्री में है, इसका कोई खर्चा नहीं है। और साथ में बटर मिल्क है, और खाना आज संडे है इसलिए सिंपल है, क्योंकि संडे के दिन है, सिंपल खाना खाना चाहिए। रात को बाहर जाने का, आप ले जाएंगे मुझे आज? मुझे ना इवेंट में जाना है, वरना ले जाता। हाँ बस, मना तो किया कभी? तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि रात को बाहर का खाना, आज तो घर का ही खाना पड़ेगा ना। तुम्हारे बोलने का मतलब वही हुआ ना कि संडे दोपहर को ना कुछ हल्का फुल्का खा लेना चाहिए, फिर बाहर डिनर। ऐसा ही होता है हर संडे को। मैं तो बोलती हूँ कि लेडीज को भी छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड को भी छुट्टी होती है जो वॉक पे जाते हैं उसे, और नहीं हो तो थोड़ा रख लेने की, ताकि घर फैमिली को भी थोड़ा टाइम दे सके। इसलिए और कुछ कुछ नहीं, अभी खाना खा लेते हैं। ये देखिए अभी हेमल ना ये पूरे सलाद में से सिर्फ टमाटर ऐसे ऐसे अलग करेंगे और खाएंगे। देखिए अभी भी खा रहे हैं, और ये कैबेज और मैंने जो ये कोरिएंडर सब कुछ ऐड किया है ना, वो सब नहीं खाएंगे, वो मुझे ही खाना है। क्या? हाँ, हम तो मॉस्किटोज ही है, 999 नंबर दवा है हमारी, जिससे मॉस्किटोज मर जाते हैं। सब इवनिंग का टाइम हो गया है, हेमल रेडी भी हो गए हैं अपनी इवेंट पे जाने के लिए, और मेरे पीछे बैकग्राउंड में कोई और भी आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे ऐसे बैठा है महाराजा की तरह। सबको पता है इसका नाम, पता है अमन तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, अमन का नाम उसे नहीं पता है, बट मुझे पता है कि उसका नाम अमन है। उसको बोल रही थी वो छोटे बच्चे को। इसीलिए अमन को भी मैंने बोला, मैंने कल दिव्या को बोला था, दिव्या तुम्हारा नाम क्या है? दिव्या को ही पूछ रही थी कि दिव्या तुम्हारा नाम क्या है, कैसे हंस रहा है? वो इतना हंसा कि मुझसे ही पूछा जा रहा है कि मेरा नाम क्या है, वो भी नाम लेके। सो अभी शाम के टाइम की पूजा का टाइम हो गया है, और हेमल जा रहे इवेंट पे, तो एक बार सारा का सारा काम हेमल का वो फिनिश हो जाता है ना, उसके बाद पूजा करने बैठू ना तो आराम से बैठ सकती हूँ। इसलिए हेमल
कैसा चल रहा है वैसे आपका? क्या काम? इवेंट का काम? इवेंट का काम अच्छा चल रहा, फर्स्ट क्लास। सो जय श्री कृष्ण, बाय बाय, जाना है ना? पूछते ही सीधा जय श्री कृष्ण बाय बाय। अले ये अमन, ये हम लोगों को भगा रही है, जाओ यहाँ। पर इन लोगों की वजह से मेरा काम अटका हुआ होता है। नहीं नहीं, मुझे मालूम है तुम्हें क्या है, ये ध्यान कहीं और है, ध्यान ना इधर है। देखिए इधर है, क्योंकि ये अमन लेके आया है मेरे लिए भूंगड़ा एंड बटेटा, ये सब कुछ लेके आया। उसे रहा नहीं जा, कब से बोल रहे है रिक्स मुझे चाहिए, जाइए जाइए जाइए। नहीं वो क्या है कि वो क्या है ना कि वो लोग जाएंगे, उसके बाद मैं पूजा करूंगी, उसके बाद खाने को मिलेगा, क्योंकि वो पूजा का टाइम हो गया है, तो शाम को मैं खाती नहीं, पहले पूजा करती हूँ। सो इसलिए कह रही हूँ कि जाइए, इवेंट पे लेट हो जाएगा ऐसा, ठीक है? इवेंट पे फिर लेट हो जाएगा तो नहीं अच्छा लगता। देखो वो रेडी हो कहता है, फिर भी यहाँ मिरर देखते ही ऐसे ऐसे बाल बनाता है, रेडी होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपको मैं जैकेट निकालो, हाँ कहाँ पे जैकेट, ये लीजिए निकाल देती हूँ। वैसे भी मेरा दिमाग बंद हो गया। कौन सा कलर? कोई सा भी कलर, वो मेरे भूमरे का गुच्छा कर देगा। इसमें क्या? अरे वो नहीं चाहिए रिच, वो ग्रे कलर वाला निकाल दूंगा। अरे वो नया है, वो नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? रेगुलर वाला चाहिए। देखिए ऐसे कपड़े निकालते हैं ना तो उल्टे पुल्टे करके फिर ऐसे ही गिरते हैं सारे के सारे। वो भी नहीं है यहाँ पर, तो वो कहाँ है? मुझे थोड़ी ना आईडिया, तुम्हें रखा होगा। मैंने कुछ इसमें नहीं रखा, इसलिए तो मैं ये, इसलिए मैंने तुमको बोला कि निकालो। अंधेरा आ रहा होगा आई थिंक, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा दिख रहा है। ये लीजिए आपका जैकेट और घुंगड़े का कुच्चा जिसने किया है वो क्यों चला गया यहाँ से? मुझे कुछ आइडिया नहीं। कुच्चा हो जाएगा तेरा भी कंट्रोल उदय, भूंगड़ा का क्यों किया कुच्चा? आप खाऊंगी कैसे? पहले अब इन सबको रख देती हूँ, फिर अमर को बाय बाय बोलती हूँ सारे के साथ। दूंगी कुछ नहीं, और भूंगड़े का कुच्चा कर रहा है पूरा। देखो ये बेचारा ऐसा तोड़ दिया। सो मेरी शाम के टाइम की माता रानी की पूजा भी हो गई है और हेमल अपने इवेंट पे भी चले गए। कब की पूजा हो गई है? 8 बज गए और मैंने भूंगड़ा बटेटा भी खा लिया है। सबसे पहले आप लोगों को भी माता जी के दर्शन करवाती हूँ। आशापुरा माँ की पूजा भी हो गई है और नीचे टेंपल में भी पूजा हो गई है, साथ साथ में मैं दोनों में पूजा कर ही लेती हूँ। और इतने ज्यादा अच्छे स्पाइसी अमन बटेटा भुंगड़ा लेके आया था ना, बहुत मजा आया। आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद मैंने बटेटा भुंगड़ा खाए, घर में तो बनाते हैं पर बाहर के आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद खाए। सो कहते ना बचपन की यादें ताजा हो गई और अच्छा लगा खा के भी। पता नहीं अमन को क्या हुआ कि वो सडनली लेके ही आया यहाँ पे, तो वो खा के ना बहुत ज्यादा ही मजा आया और फुल एंजॉय किया। ऐसा लगा कि मैं वापस से बचपन में चली गई थी, क्योंकि छोटी थी ना तब मैं ऐसी सब चीजें बहुत खाती थी बाहर की, अभी भी वैसे खाती हूँ, पर ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना वो खा के खुशी ही अलग होती है। सो चलिए व्लॉग को भी अब यही पेन करती हूँ। आज एकदम से स्वीट एंड सिंपल सा ही मेरा व्लॉग था। अभी बस थोड़ी देर में टीवी देखूंगी, उसके बाद एडिटिंग का काम करूंगी और फिर अगर डिनर में रात को कुछ बनाना होगा तो अपने लिए बना के डिनर करूंगी। सो व्लॉग को यही पेन करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।